गाइज आज किस वीडियो के अंदर हम आपको कुछ इस तरीके से नेवी ब्लू टोन में फोटो को एडिटिंग करना सिखाएंगे लाइट रूम ऐप का यूज करके। गाइज यहाँ पे आप फोटो को देख पा रहे हो, फोटो क्या ही मस्त एडिट हुई है। एंड गाइज ये फोटो जो है फुल HD क्वालिटी में भी एडिट हुई है। तो गाइज आपको भी कुछ इस टाइप से फोटो को एडिटिंग करना सीखना है लाइट रूम ऐप का यूज करके, तो आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को आप लोग ना शुरू से लास्ट तक देख लीजिएगा। अगर आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देख लेते हैं तो वीडियो के एंड में आप 100% कुछ इस तरीके से फोटो को एडिटिंग करना सीख जाएंगे बहुत ही आसानी से। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो करते हैं स्टार्ट। हाँ तो गाइस सबसे पहले तो आपको अपने गैलरी से नॉर्मल फोटो को सिलेक्ट कर देना है जिस फोटो को आपको एडिट करना है। उसके बाद यहाँ पे सेंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। एंड गाइस यहाँ पे इस फोटो को क्या करना है, लाइटरूम एप्लीकेशन में ओपन कर लेना है। ठीक है, ओपन करने के लिए यहाँ पे आपको एडिट इन लाइटरूम एप्लीकेशन पे टैप कर देना है। आप सीधा लाइटरूम एप्लीकेशन में ओपन हो जाओगे। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो हमारी फोटो लाइटरूम एप्लीकेशन में ओपन हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले तो एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और सबसे ऊपर एक ऑटो का ऑप्शन मिल जाएगा। ऑटो वाले ऑप्शन पे क्लिक करके लाइट के एडजस्टमेंट ऑटोमेटिक कर लेनी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नीचे लाइट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। एंड गाइस यहाँ पे आपको क्या करना है, हाइलाइट्स को हल्का सा यहाँ पे आपको कम कर लेना है। कम करके यहाँ से आपको 70 के आसपास रख लेना है माइनस में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कलर वाले टूल पे क्लिक करना है नीचे। एंड गाइस यहाँ पे मिक्स टूल वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे सबसे लास्ट वाले कलर को आपको सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ से क्या करना है, सैचुरेशन को पूरा आपको डिक्रीज करके माइनस में 100 कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ से पर्पल कलर सिलेक्ट करेंगे। एंड गाइस इसका भी सैचुरेशन डिक्रीज कर लेंगे माइनस में 100। इन दोनों कलर का आपको सैचुरेशन पूरा डिक्रीज करके माइनस में 100 कर लेना है। नेक्स्ट यहां से क्या करना है, ब्लू कलर को सिलेक्ट कर देना है। ठीक है, ब्लू कलर सिलेक्ट करने के बाद इसका भी सैचुरेशन हम पूरा डिक्रीज कर लेंगे माइनस में 100। एंड गाइस यहां से ह्यू को भी पूरा डिक्रीज कर लेना है माइनस में 100। नेक्स्ट यहां से एक और ब्लू कलर सिलेक्ट कर लेंगे। एंड गाइस यहां से इसका भी सैचुरेशन हम डिक्रीज कर लेंगे माइनस में 100। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, आपको ना ग्रीन कलर को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, ग्रीन कलर को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, ह्यू को पूरा डिक्रीज कर देना है माइनस में 100। एंड गाइस यहाँ पे सैचुरेशन को भी पूरा डिक्रीज कर देंगे माइनस में 100 और लुमिनस को भी हल्का सा यहाँ पे आपको डिक्रीज कर लेना है माइनस में 25 के अराउंड। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ से येलो कलर सिलेक्ट कर लेना है। एंड गाइस यहाँ पे इसका भी सैचुरेशन पूरा डिक्रीज कर लेना है माइनस में 100। एंड गाइस यहाँ पे ह्यू को भी पूरा डिक्रीज कर देना है माइनस में 100 और लुमिनस को भी यहाँ से हल्का सा डिक्रीज कर लेंगे हम कुछ इस तरीके से माइनस में 29%। नेक्स्ट यहाँ से क्या करना है, ऑरेंज कलर को सिलेक्ट कर लेना है। ऑरेंज कलर क्या है, स्किन के कलर है। ठीक है, यहाँ से आप अपने फेस को व्हाइट कर सकते हो। उसके लिए क्या करना है, यहाँ पे सैचुरेशन को हल्का सा यहाँ पे डिक्रीज करना है। एंड गाइस यहाँ पे लुमिनस को आपको इंक्रीज करना है कुछ इस तरीके से। ठीक है, इतना करने के बाद यहाँ पे आपको रेड कलर को सिलेक्ट कर लेना है। एंड गाइस यहाँ पे सैचुरेशन को हल्का सा इंक्रीज कर लेंगे 49% और ह्यू को हल्का सा यहाँ पे डिक्रीज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे डन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे आपको डन कर देना है। अभी फोटो को आप देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर, इस फोटो के अंदर जो है ब्लैक सा टोन आ चुका है। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, इस फोटो को आपको ना फिर से एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। एंड गाइस यहाँ पे इफेक्ट वाले ऑप्शन पे आ जाना है और टेक्सचर को यहाँ से इंक्रीज कर लेंगे प्लस में 12%। एंड गाइस यहाँ पे क्लैरिटी को भी इंक्रीज कर लेना है प्लस में 12% और डीएच को भी इंक्रीज कर लेंगे प्लस में 12%। ठीक है, इतना करने के बाद यहाँ से विगनेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से अमाउंट को हल्का सा यहाँ पे डिक्रीज कर लेना है कुछ इस तरीके से माइनस में 36%। उसके बाद यहाँ से मिड पॉइंट को भी हल्का सा डिक्रीज कर लेंगे कुछ इस तरीके से प्लस में आपको 35% कर लेना है। एंड गाइस जैसे फेदर को हल्का सा इंक्रीज कर लेंगे और राउंडनेस को भी हल्का सा इंक्रीज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे नीचे डिटेल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। शार्पनिंग को हल्का सा इंक्रीज कर लेंगे 34% और मास्किंग को भी हल्का सा इंक्रीज कर लेंगे 27% प्लस में। ठीक है, इतना करने के बाद यहाँ पे नॉइज वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, नॉइज रिडक्शन को फुल इंक्रीज कर देना है। एंड गाइस यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट को हल्का सा इंक्रीज कर लेंगे 22% और यहाँ पे आपको कलर नॉइज वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे कलर नॉइज को हल्का सा यहाँ पे इंक्रीज कर लेंगे प्लस में 4 के अराउंड कर लेंगे। ठीक है, 5 के अराउंड, और यहाँ पे सबसे लास्ट में आपको मिल जाएगा स्मूथनेस का ऑप्शन, इसको आपको फुल इंक्रीज करके 100 कर देना है। ठीक है, इतना करने के बाद यहाँ पे आप फोटो को देख सकते हो, यहाँ पे बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस फोटो के अंदर हम ब्लू सा टोन क्रिएट करेंगे। ठीक है, उसके लिए क्या करना है, यहाँ पे आपको कलर वाले ऑप्शन पे आना है। एंड गाइस यहाँ पे मिक्स टूल के साइड में ग्रेडिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, इस वाले ऑप्शन पे आ जाना है और सबसे लास्ट में यहाँ पे स्क्रॉल करके आपको आना है। यहाँ पे सबसे पहले तो आपको लुमिनस मिल जाएगा, तो इसको यहाँ से आपको हल्का सा डिक्रीज कर देना है माइनस में 23% और यहाँ से ब्लेंडिंग को फुल इंक्रीज कर लेंगे 100 और बैलेंस को भी फुल इंक्रीज करके 100 कर देना है प्लस में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले तो आपको शैडोज मिल जाएगा। एंड गाइस यहाँ पे मिड टोन्स और यहाँ पे हेडलाइट्स। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे शैडोज को सेलेक्ट करके इसको आपको बीच से पकड़ के हल्का सा यहाँ पे आपको क्या करना है, ब्लू के साइड में कुछ इस तरीके से इतना आपको कर देना है। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आता तो यहाँ से आपको ह्यू को जो है रख लेना 234%। एंड गाइस यहाँ पे सैचुरेशन को रखना 28%। ठीक है,
इतना करने के बाद यहाँ पे आपको मिड टोन्स को सिलेक्ट कर लेना है, और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे इसको भी पकड़ करके कुछ इस तरीके से ब्लू के साइड में कर देना है, ठीक है। इतना करने के बाद यहाँ पे आपको हाईलाइट्स को सिलेक्ट करना है, और यहाँ से कुछ इस तरीके से इसको भी आपको ब्लू के साइड में कुछ इस तरीके से इतना आपको कर देना है। उसके बाद यहाँ पे डन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से आपको डन कर देना है। देन गाइस यहाँ पे फोटो को आप देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर, फोटो क्या ही मस्त एडिट हो चुकी है फुल एचडी क्वालिटी में। तो इस फोटो को एचडी क्वालिटी में सेव करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। एंड गाइस यहाँ पे थोड़ा सा आपको वेट कर लेना है, एंड गाइस यहाँ पे सेव कॉपी डिवाइस का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, ये फोटो आपकी गैलरी के अंदर सेव हो जाएगी। अगर आप वन क्लिक में फोटो को एडिटिंग करना चाहते हो तो इसका प्रीसेट लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिए, ताकि ऐसी ही एडिटिंग से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके, एंड गाइस आप सबसे पहले एडिटिंग कर सको। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक्स, तब तक के लिए गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।